भाभी से जाके बोलती हूँ, अम्मा से बात करी कि नहीं उन्होंने। भाभी? हाँ जीजी। देखो भाभी, आपने बात करी ना अम्मा से और भैया से? नहीं, बस मैं अब थोड़ी रक्षाबंधन की तैयारी कर रही थी, बस मैं अभी जाती हूँ, बात करती हूँ अम्मा से। भाभी मैं कैसी लग रही हूँ देखो ना, अम्मा डांटेगी तो नहीं ना? नहीं नहीं जीजी, बहुत अच्छी लग रही हो, पर हाँ अम्मा दुपट्टे के लिए ज़रूर बोलेंगी। भाभी मैं फूल तोड़ के लिए आती हूँ पूजा के लिए। ठीक है चलो अम्मा से बात ही कर लेती हूँ। अम्मा राम राम। हाँ सरला बोल। अरे अम्मा मुझे आपसे कुछ बातें करनी। कैसे कहूँ अम्मा से, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, क्या करूँ। अरे बहुरिया जल्दी बोल, तैयारी भी करनी है, राहुल आ रहा ही होगा। अम्मा मुझे जिज्जी के बारे में कुछ आपसे बात करनी थी। हाँ बहुरिया बोल, जरा कपड़े सिल रही हूँ, बोल जल्दी। वो जिज्जी, वो कैसे कहूँ मैं अम्मा, अरे जल्दी बोल बहुरिया, वो जिज्जी ना शहर पढ़ना चाहती है। क्या? अरे सरला तू भी पगला गई क्या उसकी तरह, हैं? कहाँ से लाएंगे इतने पैसे, और शहर भेजने की हमारी अब औकात नहीं है, राहुल को भी तो भेजा है हमने शहर। जी अम्मा। अम्मा तो मानी नहीं, मैं इनसे ही बात कर कर आती हूँ खेत पर। चलो इनसे बात करती हूँ, पहुँच गई। सुनिए सुनिए, अरे सरला तुम यहाँ कैसे? अरे सरला क्या बात है, तुम यहाँ कैसे आई? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। लीजिए आप पहले खाना खा लीजिए। अरे सरला बात तो बताओ, क्या करना चाहती हो? पहले आप खाना खा लीजिए। रमेश जी आज मैं आपके लिए हरा साग बना के लाई हूं, आपको बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ सरला। रमेश जी मुझे आपसे ये बोलना था कि जिज्जी ना शहर जाने की जिद कर रही हैं और पढ़ना चाहती हैं। क्या दिमाग ख़राब हो गया उसका? हमारे पास ना इतने पैसे हैं, और अम्मा के बारे में सोचा है उसने? अम्मा क्या सोचेगी? मैंने अम्मा से बात की थी, अम्मा बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो रही हैं, मैं क्या करूं? और दीदी भी मुझसे गुस्सा होंगी, इसलिए मैंने आपसे बात की। चलो मैं अम्मा से बात करता हूँ घर चल के, आज त्यौहार भी है। राहुल आ गया। लगता है रमेश भैया घर पे ही हैं। चलता हूँ। प्रणाम अम्मा जी। अरे आ गया राहुल। हाँ अम्मा जी आ गया। बैठ बेटा। लगता है भैया आ गए। हाँ हाँ राहुल आ गया। अरे लो हीरा मोती चारा खाओ, ताजा हरा हरा। अरे तू तो पूरा दिन दूध ही पीता रहता है मोती। अरे मंजरी तू तो बड़ी जल्दी आ गई, और तेरी ड्रेस तो बड़ी सुंदर लग रही। अरे मंजरी आज पूजा नहीं आई, आ गई मैं। अरे अरे तूने ये क्या पहना है यार, तेरे मम्मी पापा तुझे पहनने देते हैं ऐसे कपड़े? हाँ मंजरी हम शहर पड़े हैं तो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। यार मेरी अम्मा और भैया तो मुझे बिल्कुल नहीं पहनने देंगे, ये तो मैं छुप कर पहन कर आ गई। अरे दोस्तों मैं चलती हूँ, आज रक्षाबंधन भी है, बहुत देर हो रही है। लगता है मुझे राहुल भैया आ गए, मैं कैसे जाऊँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे राहुल तू ठीक तो है ना? हाँ भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शहर में तेरा मन लग रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल, अब पढ़ाई भी अच्छी चल रही। अरे हाँ भैया नमस्ते। मजरी ये क्या पहन रखा है तूने, ये कैसे कपड़े हैं और तेरा दुपट्टा कहाँ है? मजरी तू ऐसी गई थी बाहर बिना दुपट्टे के, है तुझे समझ में नहीं आता, भेजे भी नहीं पड़ता तेरे, है? हाँ भैया मैं जाती हूँ पहन कर आती हूँ। आ रहा ये तो मेरा नाम बदनाम करके छोड़ेगी। अम्मा पूजा की थाली तैयार हो गई है, ले चल मंजरी बांध राखी जल्दी से। भैया आप मुझसे नाराज हो ना? हाँ हाँ ठीक है हो गया बस। चलो मंजरी अब मुझे राखी बांध दो तुम। मंजरी मैं शहर से तेरे लिए तोहफा भी लाया हूँ। क्या भैया? मंजरी ले पढ़ाई का तोहफा, तू चाहती थी ना आगे पढ़ना? हाँ भैया। वाह ये कितना अच्छा है। भैया राहुल भैया ने तो तोहफा दे दिया, पर आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मजरी देख जो तू चाहती है वो मैं तुझे दे नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुझे मैं शहर पढ़ा पाऊँ राहुल की तरह। भैया लेकिन मैं आगे शहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरे बारे में भी सोचो ना। जिजी सही तो कह रही हैं, एक बार सोच लीजिए ना, वो बाहर जाकर पढ़ना चाहती हैं तो। लगता है सरला तेरा भी दिमाग ख़राब हो गया, कोई शहर जाके नहीं पढ़ेगा, यहीं रहेगी ये, यहीं बस इतनी पढ़ाई, अब इसके लिए लड़का देखेंगे हम। भैया आप समझो ना, मजरी को भेज देते हैं बाहर पढ़ने के लिए, देखना वो कितनी परेशान है पढ़ने के लिए। हाँ हाँ अब तो मुझे भी लगता है मजरी को शहर भेज देना चाहिए। अरे अम्मा मान भी जाओ, और
मजरी को शहर पढ़ने भेज ही देते हैं। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब है, इतने पैसा कहाँ से आएगा? अरे अम्मा मैं सिलाई कर लूँगी। और अम्मा इस बार फसल भी अच्छी हुई है तो मेरे पास भी थोड़ा पैसा इकट्ठा हो गया, हम शहर पढ़ा ही देते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।